Assalamu alaikum for class. How are you all? Today we will do reading on book. Our topic is how does the computer work? So open your books, page number 5. Let's start reading. A computer is an electronic machine that can do fast and correct calculations in addition to many other works. The word computer comes from a Greek word compute, which means to calculate. Nowadays, a computer are used in a variety of places like schools, offices, shops, and railway stations, apart from many other places, to carry out an innumerable number of functions. कंप्यूटर क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत से दूसरे कामों के अलावा तेज़ रफ्तारी और करेक्ट कैलकुलेशन कर सकता है। लफ्ज़ कंप्यूटर, वर्ड कंप्यूटर एक यूनानी लफ्ज़ से आता है जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। आजकल कंप्यूटर बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, जैसा कि स्कूल्स में, ऑफिस में, शॉप्स में। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, अ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर ह्यूमन बींग लैंग्वेज। वट एवर इंस्ट्रक्शन वी गिव, इट कन्वर्ट्स देम इंटू बाइनरी कोड्स। अ कंप्यूटर फॉलोज 3 स्टेप्स टू परफॉर्म मैनी टास्क। कंप्यूटर क्या है? हम ह्यूमन बींग्स की हमारी जबान को, हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इस जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो इनको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। और कंप्यूटर 3 स्टेप्स, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करता है। वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? फर्स्ट है इनपुट, सेकेंड प्रोसेस, थर्ड आउटपुट। इनपुट टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यू, आपसे ये इंस्ट्रक्शंस लेता है, हदायत लेता है। इट मींस टाइपिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड। इसका क्या मतलब है कि जैसे हम टाइप कीबोर्ड के जरिए इसमें कंप्यूटर में डाटा को टाइप करते हैं, तो जो हम डाटा टाइप करते हैं वो क्या है? इनपुट। डाटा मींस रॉ फैक्ट्स और फिगर्स। डाटा का मतलब क्या है? रॉ फैक्ट्स और फिगर्स मींस के रॉ का मतलब क्या होता है? जो डाटा या फिगर्स, जो अदाद शुमार हैं हमारे पास, फिगर्स हैं, वो अरेंज ना हो, ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होते। प्रोसेस सॉल्व द प्रॉब्लम, इट मींस कैलकुलेटिंग और सॉर्टिंग द डाटा यूजिंग CPU। प्रोसेस क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जैसा कि किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना या उसको सॉर्ट करना, तरतीब देना, CPU को यूज़ करते हुए। आउटपुट गिव यू द रिजल्ट, इट मींस गिविंग रिजल्ट ऑफ प्रोसेस डाटा थ्रू मॉनिटर। दिस इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस डाटा। आउटपुट क्या है? जब हम कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हैं और वो उसे प्रोसेस करते हैं, उसके बाद जो रिज़ल्ट हमें शो होता है वो होती है आउटपुट। गिव्स यू द रिज़ल्ट, आउटपुट क्या करते हैं? हमें रिज़ल्ट देते हैं। ओके, और ये रिज़ल्ट हमें शो किस पे होता है? मॉनिटर पे। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस डाटा। इंफॉर्मेशन क्या है? एक प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा है, मीन्स के ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज किया हुआ डाटा। Highlight these definitions. Data means raw facts or figures, and information is the process data. Okay, let us understand the term input, process, and output with the help of examples. Here you can see in the picture how sandwich ingredients are processed and finally you get sandwich. It involves the following steps. You are providing ingredients for sandwich like bread, cucumber, tomato, cheese, cream, etc. ये सब क्या हैं? Input हैं। The ingredients are chopped up and mixed well to be inserted between bread slice. ये क्या है? प्रोसेस। यू गेट द सैंडविच एज अ रिजल्ट, ये क्या है? आउटपुट। मीन्स आपके पास ये जो सैंडविच है, ककम्बर है, टोमेटो है, चीज़ है, ये सब क्या है? ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये हमारी इनपुट हैं।
जब हम सबको मिक्स कर लेते हैं, चॉप कर लेते हैं, ब्रेड में लगाने के लिए रेडी कर लेते हैं, तो ये जो मिक्सिंग हम करते हैं उसे चॉप अप करते हैं, मिक्स करते हैं, ये सब प्रोसीजर जो है ये क्या है, ये प्रोसेस है। और जब हमारा सैंडविच जो है वो रेडी हो जाता है खाने के लिए, तो ये क्या है हमारे पास एज अ रिज़ल्ट के तौर पर आ जाता है, तो ये हमारे पास क्या है, ये इसकी आउटपुट है। ऑल मशीन जनरली फॉलो दीज थ्री स्टेप्स, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तमाम मशीनें जितनी भी हैं ज़्यादातर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के स्टेप्स को ही फॉलो करती हैं। लेट अस टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स, एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन एंड नोट्स। एटीएम कार्ड क्या है? एटीएम कार्ड हमारे पास इनपुट है, जब हम उसे जिस मशीन में हम उसे इंसर्ट करते हैं, डालते हैं। एटीएम मशीन क्या है? ये हमारा प्रोसेसर है। और जब हमारे पास मनी आ जाती है, नोट्स जो होते हैं, तो ये नोट्स हमारे पास क्या हैं, आउटपुट हैं। नेक्स्ट, ऑरेंजेस, जूसर, जूस। ऑरेंजेस हमारे पास क्या हैं? इनपुट हैं। जूसर जिसमें हमने इसको ब्लेंड करना है, ये क्या है, ये प्रोसेस हो रहा है, इसमें प्रोसेसिंग है। और जब जूस रेडी हो जाएगा तो रेडी जूस जो होगा वो क्या होगा, आउटपुट। Similarly, a computer is also a machine that carries out some functions. It also follows these three steps. For example, if you want to add three number on the computer, then it work as follows. इसी तरह कंप्यूटर भी क्या है, एक मशीन है, जैसे बाकी मशीन जो हैं वर्क करती हैं, उसी तरह कंप्यूटर भी एक मशीन है, वो भी इन थ्री स्टेप्स को ही फॉलो करते हैं, इनपुट को, प्रोसेस को और आउटपुट को। फॉर एग्जांपल, अगर आपने थ्री नंबर्स को ऐड करना है, उसके लिए क्या होगा, इनपुट टाइप 253 थ्रू द कीबोर्ड एंड गिव द करेक्ट इंस्ट्रक्शन ऐड टू कंप्यूटर, दिस इज़ कॉल्ड इनपुट। सबसे पहले ऐड इंस्ट्रक्शन देनी है आपने, ऐड किसे करना है, टू को, फाइव एंड थ्री। नेक्स्ट है प्रोसेस, द कंप्यूटर एड्स थ्री नंबर्स अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। उसके बाद कंप्यूटर क्या है, टू प्लस फाइव प्लस थ्री, इनको नंबर्स को ऐड करेगा। तो ये जो एडिंग हो रही है, जो कंप्यूटर को इसको ऐड कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। आउटपुट, द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू, फाइव एंड थ्री इज 10। इट इज़ द आउटकम ऑफ प्रोसेसिंग दैट अपेयर्स ऑन योर मोनिटर, दिस रिजल्ट इज कॉल्ड द आउटपुट। इसके बाद हमारे पास ये जो आंसर आ गया 10 इन थ्री नंबर्स को ऐड करने के बाद, 10 आंसर जो है ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट है, इसकी आउटपुट है। कूल टिप, अ फॉल्टी मशीन कैन टेक इनपुट एंड प्रोड्यूस नो आउटपुट, प्रोड्यूसिंग आउटपुट विदाउट इनपुट इज इम्पॉसिबल। एक ऐसी मशीन जो ख़राब है, उसको अगर हम इनपुट देंगे तो क्या है, वो उसका कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि और प्रोड्यूसिंग आउटपुट विदाउट इनपुट इज़ इम्पॉसिबल। अगर हमारे पास हम कंप्यूटर को इनपुट नहीं देंगे तो वो उसके प्रोसेस करके उसकी आउटपुट भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर, लेट्स कंपेयर मैन एंड कंप्यूटर। मैन वर्क स्लोली, कंप्यूटर वर्क फास्ट। Man can imagine and think, computer cannot imagine and think. Man gets tired and bored of doing the same work after some time. Computer doesn't get tired and bored of doing the same work even after a long period of time. Computer ke insaan kya hai, work jo hai wo slow aista karte hain, computer kya hai, fastly work karta hai। कंप्यूटर इंसान जो हैं वो ह्यूमंस जो हैं इमेजिन कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, जबकि कंप्यूटर जो है वो ना तो इमेजिन कर सकता है और ना ही थिंक कर सकता है। मैन अगर एक ही काम को ज़्यादा देर तक करे तो थक जाता है, बोर हो जाता है, जबकि कंप्यूटर वही काम अगर ज़्यादा टाइम तक करे ना तो वो थकता है और ना ही वो बोर होता है। नेक्स्ट, मैन कैन नॉट डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एट द सेम टाइम,
computer can do different type of work at the same time. Men sometimes wrong, computer always accurate. Men can remember limited information, computer can store lots of information. Men kya hai? एक ही टाइम पे मुख्तलिफ काम नहीं कर सकता, जबकि कंप्यूटर जो है वो एक ही टाइम में एक से ज़्यादा काम कर सकता है. बाज़ुकात इंसान जो है, मैन जो है, आदमी वो रॉन्ग हो सकता है, जबकि कंप्यूटर जो है हमेशा एक्यूरेट होता है, दुरुस्त होता है. कंप्यूटर इंसान जो है वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन याद कर सकता है, रिमेंबर याद रख सकता है, जबकि कंप्यूटर जो है उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा डाटा जो है इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. मस्ट नो अ कंप्यूटर इज़ फास्ट, हाउएवर देयर आर सम कंप्यूटर्स दैट आर फास्टर देन अदर्स. द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन इट्स प्रोसेसिंग स्पीड एज वेल एज रैम साइज. कंप्यूटर क्या है, बहुत ही फास्ट होता है, तहम कुछ कंप्यूटर जो होते हैं दूसरे कंप्यूटर्स की निस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, फास्ट होते हैं. उनकी स्पीड जो होती है प्रोसेसिंग स्पीड पे डिपेंड करती है, जो कि उसके रैम के साइज़ पे डिपेंड होती है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. फर्स्ट, इन द एटीएम कार्ड एटीएम मशीन नोट्स सिस्टम वेयर डज द प्रोसेसिंग टेक प्लेस. ऑप्शन ए एटीएम कार्ड, ऑप्शन बी एटीएम मशीन, ऑप्शन सी आंसर इज एटीएम मशीन. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इमेजिन एंड थिंक. ऑप्शन ए अस्ट्रॉन, ऑप्शन बी अ लिविंग ह्यूमन, ऑप्शन सी अ कंप्यूटर. एंड आंसर इज ऑप्शन बी अ लिविंग ह्यूमन. थर्ड, इन द ऑरेंजेस जूसर जूस सिस्टम व्हाट इज द इनपुट. ऑप्शन ए ऑरेंजेस, ऑप्शन बी जूसर, ऑप्शन सी जूस. एंड आंसर इज ऑप्शन ए ऑरेंजेस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू विल लर्न दीज डेफिनेशंस. इनपुट प्रोसेस डेटा, आउटपुट इंफॉर्मेशन, एंड डिफरेंस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर. And also write the difficult words on your notebook. First of all, ready your notebook for classwork. Write classwork. Topic, how does the computer work? Next, write difficult words. First, electronic, compute, innumerable, ingredients, processing, imagine, producing, remember, limited, machine, functions, instructions, language, sorting. Okay students, write these difficult words on your notebook and also learn definitions. Okay students, have a nice day.